तो जब आई थी जन्म की घड़ी, तब की पहली बार थी लड़ी। मगर तीसरी बार जब माँ पहुंची थी दवाखाना, तब गर्भ में पल रही की को था उसने जाना। मगर मुस्कुराहट और उम्मीद को अचानक आंसुओं ने भिगो दिया। वो नन्ही सी जान ने अभी से सबका प्यार था खो दिया। क्यों? अधूरी वो उम्मीद थी एक वंश की, एक परिवार की, मगर की तो बन जाती कलंक उनके संसार की। अब उसके मुकद्दर को गर्भ के अंधेरे का रंग देना था, अब उसके पालने को अर्थी में बदल देना था। उसके नन्हे से पैर सारा जहां चलना चाहते थे, उसके प्यारे से होंठ माँ पा कहना चाहते थे, उसके छुटके से कानों को लोरी ना नसीब थी, क्योंकि माँ ही कातिल थी जो उसके सबसे ज्यादा करीब थी। फिर आई थी बचपन की घड़ी, जब वो दूसरी बार थी लड़ी। घर में कोई थे जिन्हें सब भरोसेमंद मानते थे, गुड़िया को क्या पसंद है वो ये भी जानते थे। अकेली थी एक दिन जब बहरूपिये के इरादों को मिला था हौसला, बात बात पर कम कर रहे थे अपने बीच का फासला। उन्होंने उसे चॉकलेट्स खिलाकर अपनी गोद में बिठाया। उस आधे घंटे में एक 8 साल के मासूम को अपनी वासना का शिकार था बनाया। वो सहमी सी गुड़िया अब चुपचाप सीधी रहती, अपने माँ बाप को वो कहती तो भला क्या कहती। वो तो अनजान थी कि कुछ तबाही सी हो रही थी। वो बस रातों को रो और धड़कनों को खो रही थी। वो हर हफ्ते आते, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी प्यारी गुड़िया कहके उसे हाथों में उठाते, एक हाथ से उसका मुंह और दूसरे से उसका सीना दबाते। जब वो एक दिन अपने 3 दोस्तों को भी ले आए थे, तब उसके जिस्म के रोम रोम उन्होंने पत्थर से बनाए थे। आखिरकार जब खून से लथपथ होकर पहुंची थी माँ के पास, तब सुनने को मिला कि किसी को मत बताना, वो इंसान है खास। खानदान की इज्जत के लिए उसे चुप करवा दिया। वो माँ ने भी तो एक हाथ से उसका मुंह और दूसरे से उसका सम्मान दबा दिया। 10 साल तक बंद दीवारों में जो दोहराई थी चॉकलेट्स के रिटर्न गिफ्ट में, यह हैवानियत समाई थी। फिर आई थी विवाह की घड़ी, जब वो तीसरी बार थी लड़ी। राजस्थान के महलों की तरह अपनी चौखट सजाई थी, अपनी जिंदगी के संघर्ष की सारी कीमत एक रात पर लगाई थी। स्वागत की आतिशबाजी का मंजर बड़ा सुहाना था। घोड़ी पर चढ़ा लुटेरा था जिसने घर की चांदनी को ले जाना था। उन्हें उसके दिल से ज्यादा उसकी दौलत भाई थी, माँ बाप की बलि थी जो रीति रिवाजों में समाई थी। दो जेवर कपड़े और काजू बादाम, या करवा लो अपनी बिटिया बदनाम। एक शर्त पर एक लकड़ी उस हवन कुंड में जानी थी, एक शर्त पर एक लकड़ी उस हवन कुंड में जानी थी, और भीख ना देने पर अभी तो मौत भी आनी थी। जब पढ़े लिखे परिवार भी अपने चिराग को ऐसे बिकवाते हैं, तब उसके खरीदार अपनी बच्ची के जन्म पर जश्न अफसोस मनाते हैं। फिर आई थी एक ऐसी घड़ी, जब शायद वो अंतिम बार थी लड़ी। एक रात को दरिंदों ने दिखा दी अपनी औकात, वासना से ज्यादा पितृसत्ता की थी बात। ये अकेली थी और वो थे 8। ऐसी हैवानियत से कांपा ना जमीर, जब नोच नोच कर खा गए वो उसका शरीर। हिम्मत जुटा दर्द में वो आधी रात को पुलिस के पास आई, जो सहारे के नाम पर उसी ने सलाखों में बिताई। अगले दिन जब वो पहुंची थी दवाखाना, तब औजार दिखा दिखा कर उसे और था डराना, उसे और था धमकाना। हमारी व्यवस्था तो सो रही थी, मगर वो खून के आंसू रो रही थी। अब उम्मीद के बिना वो अगला सूरज ना देख पाई, और हमने उसके नाम पर सिर्फ मोमबत्तियां ही जलाई, हमने उसके नाम पर सिर्फ मोमबत्तियां ही जलाई। कहते हैं जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। ये तब ना हो पाए जब हम उनको सिखाएं जो देवता हमारे घरों में बसते हैं। शुक्रिया।